स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री के आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन। शिमला हिमाचल में फिर एकजुट हुई कांग्रेस। भाजपा ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। सीपीआईएम ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम से की इस्तीफे की मांग, कहा भूपेंद्र सिंह ने। नाटक के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर चोट। एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन कुल्लू ने किया नाट्य उत्सव का आयोजन। मंडी पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया मीटिंग का आयोजन। भत्ते को मूल पेंशन में जोड़ने की मांग, कहा दयानंद शर्मा ने। आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की फिर मांग की है। उधर आनन फानन में बुलाई गई कैबिनेट में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का दावा कर भाजपा को राजनैतिक जवाब दे दिया है। हिमाचल में राजनीतिक संकट में घिरी सरकार एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ खड़े रहने का दावा कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बीते शनिवार प्रवर्तन निदेशालय ने उस आनंद चौहान की गिरफ्तारी की, जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के LIC निवेश को लेकर CBI और ED की FIR में नामजद है। उनकी गिरफ्तारी के बाद वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉलीलॉज और सचिवालय में जो राजनीतिक भूचाल 2 दिनों के भीतर देखा गया, वो कैबिनेट की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव के समर्थन के साथ शांत होता दिखाई दे रहा है। सचिवालय में बुलाई गई बैठक में भले ही उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो कि विदेश दौरे पर हैं, और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह, जिन्हें अपने पहले से तय कार्यक्रम के चलते राज्य से बाहर जाना पड़ा, की गैर मौजूदगी में पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के साथ होने की बात कही है। इसमें एजेंडे में तो बेसिकली एक ही आइटम थी, फिर एक चर्चा की कि आजकल अखबारों में ये बार बार आ रहा है कि मुख्यमंत्री रिजाइन करें, इलेक्शन जल्दी होंगे और सरकार चली जाएगी या सरकार रह जाएगी या किसी को गिरफ्तार करें, किसी को छोड़ दें। तो ये था कैबिनेट का, कि कई बार कैबिनेट इस बात को कह चुकी है कि ये जो है ये एक सब जुडिस केस है, मैटर इनकम टैक्स से पेटेनिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसकी जांच कर रही है, तो इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए बार बार। और कैबिनेट को ऐसा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी तरीके से दबाव में रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो दबाव में रखने के लिए उसके लिए जो है कैबिनेट में कंसेंसस था कि हम एक रेजुलेशन जो है उसका भिजवाएं, और वो कैबिनेट ने जो रेजुलेशन है उसका डाला है कि यो जो कैबिनेट है वो फुली चीफ मिनिस्टर साहब के साथ है, सरकार हमारी सुदृढ़ है, सरकार को 5 साल पूरे चलेगी और रिपीट करने की दिशा में काम करेंगे, और ये सारी बातें हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो केस है उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी देखे, और इनकम टैक्स अथॉरिटी सब जुडिस केस है जैसे उसका, और कानून में मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि मुझे कानून में, भारतीय कानून में पूरा विश्वास है। हमारा नेतृत्व जो है वो एस्टेब्लिश है, अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी हैं और PCC अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू हैं, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और उपाध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय श्री राहुल जी है। और अभी आपने सुन रहे होंगे गाय गुबाए, ये भी बातें चलती हैं कि माननीय प्रियंका जी भी दूसरे प्रदेशों में कर सकती हैं, तो लोगों की
अभी उन्होंने क्या फैसला किया है उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, पर जो कार्यकर्ता है हमारे लोग जो हैं, जो गांव के लोग भी हैं, उनका ये है कि गांधी परिवार के प्रति उनका एक विश्वास है और ये सारे जो लीडरशिप है हमारी वो सेंट्रल लीडरशिप के अधीन होती है और पार्टी का इलेक्शन होता है, पार्टी करती है इलेक्शन। कुल देखिए जहाँ तक वीरभद्र जी का सवाल है, वो सबसे सीनियर मोस्ट एस्टेब्लिश नेता है और यही CLP ने कहा है कि पूरी CLP कैबिनेट ने कहा है कि पूरी कैबिनेट उनके साथ सॉलिडली खड़ी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप जड़े हैं कि भाजपा लगातार सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही न्यायालय पर भरोसे की बात कर चुके हैं, लिहाजा न मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा और न ही सरकार अस्थिर होगी। इसे लेकर कैबिनेट ने एकमत प्रस्ताव पारित कर कहा है कि वो वीरभद्र सिंह के साथ हैं और अगले चुनाव में भी उनके नेतृत्व को लेकर कोई एतराज पार्टी में नहीं है। कैबिनेट की बैठक के एकदम बाद हम सब साथ हैं, बिल्कुल सब साथ हैं, कोई भी एक हमारे बीच से नहीं। एक आदमी कोई बीमार हो जाए तो उसका मतलब नहीं है कि वो खिलाफ है। वो भी कौल सिंह जी को जाना था, उन्होंने फ़ोन करा रहा है सबको कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से उसमें आपको पूरा मेरा विश्वास दे रहा हूँ और लिख के दे देना। वो तो कोई वो एक ही बात है, हम तो सारा परिवार एक है, कोई दूसरा परिवार नहीं है हम, कि यह टूटा फूटा नहीं है, हम सब मजबूत हैं, तकड़े हैं। हम जानते हैं कि हमने क्या क्या काम किया और किसके लिए काम किया, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, और हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अच्छे काम किए। पर हमारा सुखविंदर सुक्खू जी है, वो कांग्रेस के सारे के प्रेसिडेंट है, वो कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, चाहे इनको बोलने दो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भी बोलना चाहते हैं बोलते रहे। हमने काम करके दिखाए, काम किए हैं हमारी सरकार ने, सोचिए। तो इसलिए कोई हम तो बड़ी शांति से काम कर रहे हैं, बड़ी शांति से सोच रहे, इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं। नो, जैसे कहना चाहिए प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स फॉर अस, दैट्स व्हाट आई से। इट इज दी ट्राई टू क्रिएट क्राइसिस फॉर नथिंग। अब बीजेपी वालों के पास बिल्ले तो है, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या बोले, तो कुछ ना कुछ राजा के पीछे पड़े रहो, बकते रहो। राजा साहब जानते हैं कि उन्होंने अरे इतने टाइम में काम किया तो उसको पता है क्या करना है, कैसे सरकार चलाते हैं। ये बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। इनको काम करना आसान नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिलासपुर के दौरे पर निकल गए। उधर भाजपा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की है। जी, ये मीटिंग रखी गई थी, मेनली दो तीन इश्यूज थे, मेनली आपके जो आने वाले विधानसभा है उस बारे में डिस्कशन हुआ, कितना सिटिंग्स होनी चाहिए। एंड ऑल द मिनिस्टर्स फेल्ट कि जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री पर निशाना बनाकर अब केस इन द कोर्ट चल रहा है, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट कोर्ट, वी आर लाइक द रॉक विद हिम, पूरी पार्टी साथ में, सारे मंत्री साथ में, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। तो बिन बात के हर बार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वही हमने कहा कि ऑल द मिनिस्टर्स आर विद द चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बाकी जो चल रहे केसेस कोई नए तो नहीं, कब से चल रहे हैं, किस बात के लिए सब कुछ बयानबाजी देकर आए हैं सीएम साहब, इसका लॉयल टेकिंग नो कोर्स। वो तो जानबूझकर चुनाव की ओर देख रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो, हम तो तैयार हैं, लेकिन चुनाव तो टाइम में होंगे। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ठीक है आप सेंटर में आए हो, दैट डजंट मीन कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप डिस्टर्ब करें और ये तरीका अपना कर, दैट इज हीटिंग समबडी बिलो द बेल्ट, तो हम टॉयलेट नहीं करेंगे। डेट्स अभी अगस्त में होनी है, डेट्स डिसाइड करेंगे, कितने दिन का करना है, हफ्ते का करना है, पाँच दिन का करना है, दैट इज डिसाइडेड। के चैनल के लिए शिमला से रमिता। नालागढ़ विकासखंड कार्यालय सभागार में DC सोलन राकेश कंवर की अध्यक्षता में बाह्य शौच को लेकर जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त सोलन ने लोगों की विकास कार्यों को लेकर पेश आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। नालागढ़ विकासखंड कार्यालय सभागार में DC सोलन राकेश कंवर की अध्यक्षता में बाह्य शौच को लेकर जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। DC सोलन राकेश कंवर ने जनप्रतिनिधियों को कहा कि बाह्य शौच मुक्त क्षेत्र बनाने में असफल रहने पर किसी भी पंचायत को कोई भी ग्रांट जारी नहीं की जाएगी। DC सोलन ने बताया कि बैठक का आयोजन क्षेत्र को बाह्य शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर किया गया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर तक सभी पंचायतें बाह्य शौच मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा पंचायतों को किसी भी प्रकार की ग्रांट जारी नहीं की जाएगी।
पूरे प्रदेश में सभी ज़िलों को बाह्य शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हमारी कोशिश यह है कि सोलन ज़िला इसी साल में अपने इस लक्ष्य को पूरा करे। और सोलन ज़िले में नालागढ़ ब्लॉक ऐसा है जहां पर काफ़ी ज़्यादा अभी शौचालय बनने हैं, तो उसके लिए उन पंचायतों के साथ आज बातचीत थी जहां पे अभी ये संख्या है टॉयलेट्स जहां पे नहीं बने हैं, तो सभी प्रधानों के साथ मिलकर तय किया गया है कि इस साल 2 अक्टूबर तक हम 100% ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक नालागढ़ को भी और पूरे ज़िले को बनाए। इस बारे में आज ये बैठक। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सार्वजनिक शौचालयों को निरीक्षण किया जाए। जहां कहीं भी किसी प्रकार की मुरम्मत की जरूरत है उसे तुरंत करवाया जाए। उन्होंने क्षेत्र को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। बैठक में SDM नालागढ़ हरिकेश मीणा, BDO हेमचंद शर्मा, BDC चेयरमैन गुरबख्श चौधरी सहित सभी पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश में सभी ज़िलों को बाह्य शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हमारी कोशिश यह है कि सोलन ज़िला इसी साल में अपने इस लक्ष्य को पूरा करे। और सोलन ज़िले में नालागढ़ ब्लॉक ऐसा है जहां पर काफ़ी ज़्यादा अभी शौचालय बनने हैं, तो उसके लिए उन पंचायतों के साथ आज बातचीत थी जहां पे अभी ये संख्या है टॉयलेट्स जहां पे नहीं बने हैं, तो सभी प्रधानों के साथ मिलकर तय किया गया है कि इस साल 2 अक्टूबर तक हम 100% ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक नालागढ़ को भी और पूरे ज़िले को बनाए। इस बारे में आज ये बैठक। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार को मंडी जिला मुख्यालय पर CPIM के बैनर तले CPIM, C2 और SFI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और CM से इस्तीफे की मांग की। बीते दिनों शिमला में प्रदेश सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे CPIM नेताओं पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में सोमवार को मंडी जिला मुख्यालय पर CPIM, C2 और SFI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और CM से इस्तीफे की मांग की। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिमला में भूख हड़ताल कर रहे CPIM नेताओं के पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और CM से इस्तीफे की मांग की गई। उन्होंने प्रदेश सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और मजदूर के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जो मजदूरों का संगठन C2 है और जो छात्र संगठन SFI है, उसने आज मंडी के चौटा बाजार में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह का जो पुतला है उसको जलाया है। इसके पीछे जो वजह है कि जो शिमला के अंदर 8 जुलाई को जो मजदूरों के नेता है कॉमरेड राकेश सिन्हा और उनके साथ एक और जो मजदूर नेता है संजू नेगी, उनको मारने की जो साजिश है इस सरकार ने की। वो जो साथी थे 8 पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे, जब उनको मेडिकल चेकअप के बहाने वहाँ से उठाया गया, मगर मेडिकल चेकअप के बजाय हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनको जंगल में फेंक दिया गया। ये उसी के अर्थ में जैसे कैसे वो साथी जब होश में आए तो उनको अस्पताल लाया गया। इसलिए हमें मांग करते हैं कि जो वीरभद्र सिंह की जो सरकार है वो एक तरह से संविधान के खिलाफ काम कर रही है, मजदूरों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, मजदूरों के नेताओं की हत्या करने की साजिश कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि वीरभद्र सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके जो एक मुंशी हैं वो अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब उनकी बारी भी आने वाली है। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो तानाशाह जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 125-30 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक नई शिक्षा नीति के नाम पे फीसें बढ़ाई जा रही है, छात्रों की जो पढ़ाई है उसको रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है और जो मुख्यमंत्री है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इनको तुरंत जो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मांग आज हमने यहाँ की है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अभी वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ।
Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years, thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First Polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हैं वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन कुल्लू और सेवा संस्था मनाली के सौजन्य से 3 दिवसीय नाट्योत्सव का शुभारंभ मनाली के वाइल्ड लाइफ हॉल में आयोजित किया गया। 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे इस नाट्योत्सव में दुख धेनु, चिड़िया के बहाने और भगवान का पुत्र आदि नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन कुल्लू और सेवा संस्था मनाली के सौजन्य से 3 दिवसीय नाट्योत्सव का शुभारंभ मनाली के वाइल्ड लाइफ हॉल में आयोजित किया गया। नाटक के पहले दिन में दुग्ध धेनु नाटक पहाड़ी क्षेत्र में किसी समय हुए एक ऐसे दुराचारी राजा की याद ताजा करता है जो औरतों के दूध की खीर खाने का आदि हो जाता है। राजा अपने राज्य की प्रसूताओं को तहखाने में बंद कर उनके बच्चे को मरवा देता है। जब कोई महिला दूध देने में असमर्थ हो जाती है तो राजा उस महिला को उल्टा घोषित कर एक मेले का आयोजन कर पशुओं की बलि के साथ साथ उस अभागी महिला की बलि भी चढ़ा देता है। राजा के अत्याचारों से क्रुद्ध होकर महिलाएं लोक नाट्य हिरणातर की आड़ में हिरण के मुखौटों में छिपकर नाचते नाचते राजा के निकट पहुंच जाती है और अपनी दराटियों से उसे मौत के घाट उतार देती हैं। ये नाटक बलि प्रथा जैसे अंधविश्वास में जकड़े पहाड़ी समाज को जो सदियों से आज भी परंपरा रूपी अंधविश्वास के इस बोझ को ढोता आ रहा है को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा उन लोगों का घिनौना चेहरा भी दिखता है जो अबोध लोगों के इस अंधविश्वास और धार्मिक भावना को एक औजार की तरह प्रयोग कर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। नाटक के लेखक और निर्देशक जाने माने रंगकर्मी कहर सिंह हैं। मनाली के वाइल्ड लाइफ हॉल में पेश किए गए इस नाटक के कलाकारों के सजीव अभिनय ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। 1 मई को हमने यहाँ सोनी बुंकू का जो कार्यक्रम यहाँ इन्होंने पेश किया था बहुत जबरदस्त वो था और जिसके लिए अभी कहर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि भोपाल तक से इनके लिए इन्विटेशन आ चुका है। 5 अगस्त मैं इनको यही कहूंगा कि आप अपने इसमें लगे रहें और जो हमसे खासकर मुझसे जो भी हो सकता है जो भी उनके लिए मदद कर सकता हूं किसी ढंग से भी हो चाहे इसको एक आज का ये हम इनको स्टेज उपलब्ध करा के या किसी और फॉर्म में हो तो मैं हमेशा इनके लिए कोशिश करता रहूंगा। और मैंने एक और ये रिक्वेस्ट किया है कि इनसे भी खासकर कैर सिंह जी से इसी स्टेज को मैं एक अच्छे स्तर का जिसको हम इंटरनेशनल लेवल का तो नहीं कह सकते हैं कि राज्य स्तर का जो अच्छा सा स्टेज बनाऊंगा जिसके लिए मैंने पैसों का भी प्रावधान रखा हुआ है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सोमवार को मंडी पुलिस लाइन में मंडी पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में एसोसिएशन की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। मंडी पुलिस लाइन में मंडी पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन किया गया।
इस मीटिंग में एसोसिएशन के सदस्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दयानंद शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन के प्रधान परमानंद जी है और आज मंडी जिला की पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक आयोजित की गई और यह मीटिंग हर महीने की 11 तारीख को होती है। उन्होंने कहा कि संघ ने सरकार से मांग की है कि अतिरिक्त 5% भत्ता जो सरकार द्वारा दिया जाता है उस भत्ते को मूल पेंशन में जोड़ा जाए और पेंशनरों की पेंशनर विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। आज ये जो मीटिंग है हमारी, ये मासिक मीटिंग है, हर महीने की 11 तारीख को होती है। इसमें हमारी कुछ डिमांडें हैं जो सरकार को हर मीटिंग में भेजी जाती है, जो कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी करने के लिए हम आग्रह करते हैं। जैसे हमारे को भत्ते के तौर पर 65, 70 और 75 साल की उम्र में अतिरिक्त भत्ता 5% दिया जाता है। उसके लिए हमारा जो मांग पत्र है वो है कि उसे हमारी मूल पेंशन में मर्ज किया जाए और भत्ते के तौर पर ना दिया जाए। इसके अलावा और भी कई डिमांडें हैं, जैसे जो हमारे पेंशनर हैं उनकी कई पेंशन की विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए है। तीसरी मांग जो है हमारी कि जैसे और विभागों में उनके परिवार व आश्रितों को के लिए रिजर्वेशन होती है 2%, उसी प्रकार पुलिस पेंशनरों के जो आश्रित हैं उनको भी 2% रिजर्वेशन होनी चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल की और मुख्यमंत्री व पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुख्यमंत्री खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा मजदूरों ने इसमें भाग लिया। हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल की और मुख्यमंत्री व पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। किन्नौर के मजदूर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे कई ऐसे लोग भी हैं जिनको जान से मारने की कोशिश भी की गई। जब वे शिमला में मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, उनमें से सांके रांके सिंघा जो अचेत अवस्था में थे तो उनको उठाकर जंगल में फेंक आए। यदि उनका दूसरा साथी साथ नहीं होता तो वे उसको मार देते। आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी इसी चौक पर हम मजदूरों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं और किन्नौर के शोंगटोंग में पिछले 3.5 महीनों से मजदूर अपनी न्यूनतम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उसी सिलसिले में जब सीआईटीयू का राज्य लीडरशिप शिमला सेक्रेटरीट के बाहर अमानशन पर बैठा तो वीरभद्र सरकार का अमानवीय चेहरा उसमें आंदोलन को कुचलने के उपलक्ष्य में के रूप में नजर आया है। जो साथी पिछले 10 दिनों से अमानशन पर बैठे थे, जबरदस्ती उन साथियों को उठाया गया और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज किए गए और 10 दिन से सजा थी। अमानशन पर बैठे थे साथी राकेश सिंघा, उनको उठा के अचेतन अवस्था में अनकॉन्शियस हालत में सरकार जो है, पुलिस जो है, उनको सोलन के नज़दीक साधुपुर के जंगल में मरने के लिए छोड़ आई। ये तो जो दूसरा साथी था वो थोड़ा उसमें जान बाकी थी तो उन्होंने टेलीफोन करके किस तरीके से उनकी जान बचाई है, मगर इस सरकार का बहसी रूप जो है साफ झलकता है। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना में जो जगत सिंह नेगी हैं, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनका और उनके भाई का 125 करोड़ रुपए का ठेका है और बहुत से कांग्रेस के ठेकेदार उसमें शामिल है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों से जबरदस्ती उनका शोषण किया जा रहा है और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है वीरभद्र सरकार काम कर रही है। ये शुरुआत है और सरकार का जिस तरीके के हथकंडे अपनाए हैं इसके विरोध में सीआईटीयू आने वाले समय के अंदर इस वीरभद्र सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोलेगी। बिल्कुल, सीआईटीयू राज्य कमेटी जो है वीरभद्र सरकार से, वीरभद्र सिंह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। पहले भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो है किसी कई तरीके के भ्रष्टाचार के मुकदमे चले हैं और उनमें उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जो शोंगटोंग प्रकरण है उसने ये साफ कर दिया है कि वीरभद्र सिंह का ठेकेदारों के गुंडों के साथ मिली वक्त उनका संरक्षण है और उसी तर्ज पर जो है इसको जो है मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वे गुंडागर्दी को बढ़ावा ना दे। प्रदेश में जब से ये सरकार बनी है तब से गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया गया है। वे चाहते हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
ले लो, जो पैसे भरा है वो बच्चों को जा सकता है। अभी फिर से वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।